गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 4F ऑफ चैप्टर 4। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, बट इन दिस वीडियो इन PDF आई विल प्रोवाइड यू ओनली द एडिशन ऑफ दिस फ्रैक्शन। इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्यूशन आई विल प्रोवाइड यू द सब्ट्रैक्शन। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्राई टू कैलकुलेट ओरली इन द माइंड। इसको हमें ओरली कैलकुलेट करके माइंड में तब हमें सॉल्व करना है। हमें इसमें कोई भी आइडेंटिटी या कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करना है कि हमें ऐड करना है। तो ओरली इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वन, यहाँ पर वन होल नंबर है और टू एज होल 1/2, 1/4 प्लस 1/4। अब आप देखेंगे कि 1/4 और 1/4 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये 2/4 हो जाएगा। जिसको हम क्लासीफाई करते हैं तो 1/2, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 एज होल 1/2 और 1/2 ये 3 हो जाएगा। 3 + 1 = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, 2 - 1 एज होल 1/2। अब आप जानते हैं कि 2 में अगर हम 1.5 माइनस करेंगे, 1 एज होल 1/2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 4 में हम 4 एज होल 1/2, मान लीजिए कि आपके पास 4 रुपीज़ 50 पैसे हैं तो इसमें से 1/4 25 पैसे माइनस कर देंगे तो 4 एज होल 1/4। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड ऑल द सॉल्यूशन बाय ओरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम हमें ऐड करना है, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे कि बिकॉज द फ्रैक्शन हैविंग द नॉट द सेम डिनोमिनेटर, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं कि 5 2s are 10 होता है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए यहाँ पर 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो और डिनोमिनेटर में 2 से कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी 2 से करेंगे हम। सो 2 1 2 एंड 3 2 + 3 = 10 = 5/10, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2। सेकेंड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से हमें करना है, 3/7 + 5/14। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो आप जानते हैं कि 7 2s are 14 होता है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 2s are 6, 5 है तो 5 ही रहेगा, 14, 6 5 11 14। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। पहले आपको उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उनके डिनोमिनेटर सेम करना है, तब उसको प्लस करना है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पर हमें 3 फ्रैक्शंस को ऐड करने हैं। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 1/3 + 1/6 / 1/12। अगर हम जितने भी डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम निकालेंगे, 3, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें यहाँ पर एलसीएम भी इसका 12 आएगा। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो हम जानते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 = 12 हो जाएगा, और 1 में भी 4 से करेंगे तो 4 1 = 4। इस तरीके से 6 में 2 से करेंगे तो 6 2 = 12, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 1। तो इसको टोटल हम प्लस करते हैं तो 4 2 6 1 7/12। क्वेश्चन नंबर 11 देखें हम इस तरीके से, 3/8 1/12 + 1/3 एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 3 = 24। अब हम 8 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 होगा, तो इसको भी हम 8 3 = 24 और 3 में 3 से करेंगे, 12 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 में 3 8 = 24 होता है तो यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 3 = 9 प्लस 2 1 = 2 प्लस 8 1 = 8, 9 2 11 8 19/24। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन, उसका एलसीएम फाइंड करिए, देखिए डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर से इक्वल करिए और उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और इसे हमें इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ऐड करना है। तो जैसे 3 एज होल 4/9 है प्लस 2 एज होल 1/3, 9 3 = 27 4 31/9 प्लस 3 2 = 6 1 7/3। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 3 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि इसका डिनोमिनेटर 9 हो जाए। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 = 9 और 7 में भी 3 से करेंगे 21,
तो 31 प्लस 21 अपॉन 9 इक्वल टू 52 अपॉन 9। इसको फिर से हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 9 फाइव जो 45 होता है, 7 रिमाइंडर होगा तो वो न्यूमरेटर में हो जाएगा अपॉन 9। क्वेश्चन नंबर 20 देखें हम, 12 टू जो 24, 5 29 अपॉन 12 प्लस 4 जो 16, 3 19 अपॉन 4। 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जो 12, 9 3 जो 19, 3 जो 27। सो द आंसर विल बी 29 प्लस 57 अपॉन 12 इक्वल टू 57 और 29 को प्लस करेंगे तो 86 अपॉन 12, 43 अपॉन 6। और मिक्सड में कन्वर्ट कर देंगे तो 7 एज होल 1 अपॉन 6। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन दिस वे। पहले आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है, क्योंकि बिना डिनोमिनेटर इक्वल किए हम किसी भी फ्रैक्शन को ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हमें पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा, और उसके बाद ही हम उसके न्यूमिनेटर को प्लस कर सकते हैं। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।